ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? आवाज जा रहा सब लोगों को? आवाज जा रही है प्रॉपर? सर आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। सब लोगों को प्रॉपर हो रहा है स्क्रीन शेयर? हो रहा है सर। ओके ठीक है, वेट अ मोमेंट, अभी मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ। ओके गाइस, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें सीख लिया था, जैसे कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दिया था। अगर आपने वो सब लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से, वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड के थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, ठीक है, कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और कैंडलस्टिक्स का क्या एग्जैक्टली मतलब होता है, और कैंडलस्टिक को किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे ओपनिंग है, कहाँ पे क्लोजिंग है, क्या हाई है, क्या लो है, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बता दूंगा। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ना, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इसको जानने से पहले कैंडलस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जो होता है ना वो कैंडलस्टिक से ही होता है। उड़ के प्राइस ऊपर जाता है वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 80-90% ऑफ टाइम क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंस का सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडल के बॉडी से विक से होता है, तो वो जानना ज़्यादा हम लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बार बता दो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो तीन कॉन्सेप्ट समझाया, सब लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर है या फिर नहीं है? सब लोग एक बार मुझे बता दो, क्लियर है या फिर नहीं है, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया। सब लोगों को क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड क्या और इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, म्यूट कर लो सब लोग यार। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को सारे कोर्स का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। अभी हम लोग सीखेंगे क्या, कैंडलस्टिक सीखेंगे, फिर फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, फिर एडवांस कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। हार्मोनिक ट्रेडिंग हम लोग लास्ट में सीखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, उससे पहले हम लोगों को बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग सीखते हैं सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मान लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को समझने से पहले हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लेना। सबसे पहले आपको काम क्या होता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। जहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा ना वहाँ पे एक जोन बनेगा, और जहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे भी एक जोन बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस के पास जोन बनता है उसको बोलते हैं सप्लाई जोन, जो सपोर्ट के पास बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। अब किस तरीके से आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लेते हैं कि प्राइस क्या हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी प्राइस का सपोर्ट के लेवल को मार्क करते हैं। तो सपोर्ट के लेवल को मार्क करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कहाँ से प्राइस ऊपर गया है या फिर कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का जो हमारा हाई है उसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल को ध्यान से देखना, हमारा प्रीवियस डे का हाई है इसको मैंने मार्क किया, और इससे पहले जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था उस लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक जोन बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये हमारा प्रॉपर जोन बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से जो हमारा डे का लो है उसको, जो प्रीवियस डे का हाई है उसके पास रख देता हूँ। ठीक है,
आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये जोन बना, इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस नीचे कर रहा था, लेकिन इसका जैसे ब्रेकआउट हो गया तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझाया था। अब जैसे प्राइस नीचे है यहाँ से, फिर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर, अब जैसे प्राइस इस जोन के अंदर आएगा तो अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, इस जोन से अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अब ये हमारा पूरा जोन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। अब डिमांड जोन में कौन बैठे होते हैं, डिमांड जोन में बैठे होते हैं बायर। बायर क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर वहां से प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। और रेजिस्टेंस के पास कौन होते हैं, सेलर होते हैं। सेलर लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, फिर वहां से प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस जोन को थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रॉपर जोन बना, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। वेट, ठीक है। अब ये हमारा जो येलो जोन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड जोन, जहाँ पे बायर बैठे होते हैं। अब रेजिस्टेंस के पास हम लोगों को क्या होता है, सेलर, सप्लाई जोन होता है। अब सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हमारा पूरा जोन होगा ये हमारा सप्लाई जोन होगा। अब देखना कि प्राइस कभी भी एग्जैक्टली किसी एक लेवल को टच करके नीचे की तरफ नहीं आता है। जैसे देखो, अब इस चार्ट को ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैं दो लाइन को मार्क कर रहा हूँ ना, इसको आप फोकस के साथ देखना, प्राइस कभी भी क्या होता है। अब देखना, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, प्राइस इस लेवल को टच किया, यहाँ से प्राइस फॉल कर गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक बार यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, फिर अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो ये जो हमारा पूरा जोन बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। इस जोन के अंदर कौन बैठे हुए, सेलर लोग बैठे हुए हैं। प्राइस जैसे इस जोन के अंदर जा रहा है, यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो अभी जैसे प्राइस इन फ्यूचर इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन यहाँ से क्या होगा, प्राइस फॉल करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे है प्राइस, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इस जोन में प्राइस जैसे एंटर करेगा, प्राइस का स्ट्रक्चर देख लेना, प्राइस अगेन यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो ये हमारा जोन क्या है, इसको हम लोग कौन सा जोन बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन पे कौन बैठे होते हैं, सप्लाई जोन पे बैठे होते हैं सेलर लोग। क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ये कुछ ज्यादा ही ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा जोन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन। और जो सपोर्ट के पास हमारा पूरा प्रॉपर जोन बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। ये जो हमारा पूरा नीचे की तरफ जोन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन। सप्लाई हमेशा रेजिस्टेंस के पास होता है, डिमांड हमेशा सपोर्ट के पास होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जोन मार्क करने से आपको फायदा क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा मार्केट बहुत कम, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। अगर आप सिंपल एक लाइन मार्क करके रखते हो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे तो मार्केट मैक्सिमम टाइम उसको हिट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक जोन बना के रखोगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जोन के ऊपर होगा। तो यहाँ पे हायर चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस बचेगा हिट होने से, ठीक है। जैसे कि यह मान लेते हैं हमारा क्या है, डिमांड है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आज मैंने भी गलती करी है। आज मैंने टोटल 3 ट्रेड किया था, 2 ट्रेड मेरा सक्सेसफुल था, 1 ट्रेड में मार्केट ने, पहला ही ट्रेड में मार्केट ने मेरा इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। और लेकिन दूसरे अकाउंट से फिर अगेन मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया, फिर मेरे को ये पूरा जो मूव मिला था इसका मेरे को प्रॉफिट बुक हो गया था, जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था ग्रुप में और उसका वीडियो भी बना के डाल दिया था, आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो वैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करूंगा, फिर आपको प्रॉपर तरीके का दिखेगा। देखो यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था, एंट्री किया था। और इसी कैंडल यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आया पूरा प्रॉपर नीचे और लगभग 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने वो हिट कर दिया। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे देखा कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन था, यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर लिया मार्केट ने, मुझे भी ट्रैप कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा। तो मैंने तुरंत यहाँ पे क्या किया, दूसरे अकाउंट से अगेन बाइंग किया और ये पूरा मूव मेरे को यहाँ पे कैप्चर हो गया था, जिसका मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दिया था और उसका वीडियो भी बना के डाल दिया था। तो गलती होगी, उससे आपको सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना। अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर जोन बना के रखता, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया, इसके बाद का भी रेड कैंडल का क्लोजिंग देता, तो फिर यहाँ से मैं नीचे का ट्रेड में एंट्री करता। लेकिन यहाँ पे समझ में आया कि मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, लोगों को ट्रैप करके अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना, मार्क करके रखना और इसके हिसाब से ट्रेड करना। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या, इसी जोन के अंदर आया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा जोन है, डिमांड जोन है। और डिमांड जोन पे कौन बैठे होते हैं, बायर लोग बैठे होते हैं। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आएगा, स्टॉप लॉस सब लोगों का हिट करेगा, इस लेवल के नीचे आएगा, क्योंकि अब सब लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे होगा। तो मार्केट नीचे आएगा थोड़ा सा और स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चलता रहेगा मार्केट में, आपको बस क्या है, उसी सारी चीजों से बचना है। ऊपर आप देख सकते हो, ये हमारा क्या, सप्लाई जोन है, जहाँ पे सेलर लोग बैठे होते हैं, वहां से प्राइस क्या होता है, फिर नीचे की तरफ आता है।
तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सप्लाई एंड डिमांड का, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सपोर्ट के पास हमारा सप्लाई होता है और रेजिस्टेंस के पास हमारा डिमांड होता है, एक जोन बनता है उसी को हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। क्लियर हुआ सब लोगों को ये सारी चीजें? जी सर, यस सर। सब लोगों का आवाज नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा। जब मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बेसिक चीज दिखा दूंगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 4-5 लोग आज मेरे को पर्सनल मैसेज किए थे कि जो भी मैं ट्रेड का एनालिसिस भेजा था उनको लग रहा था कि मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। और वो मैंने बस सिंपल सा कि वो सर इतना मूव कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो वैसे तो वो कोई बड़ा मूव नहीं था, ठीक है। 100 पॉइंट का मूव था, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मेरे को एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आता कि जो लोग आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं करोड़ों के लाखों के, वो आपको कभी स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे, वो एडिटेड पीएनएल होता है, उसको आप देख के उस पर ट्रस्ट करके उनका कोर्स परचेस करते हो। लेकिन मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाता हूँ लाइव, मतलब ट्रेड करने से पहले का भी चार्ट भेज देता हूँ, ट्रेड करने के बाद का भी चार्ट भेज देता हूँ, और उसका फिर वीडियो बना के रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने ट्रेड नहीं किया। चलो ठीक है, उसको छोड़ो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उनकी मर्जी, उनको जो करना है करने दो। लेकिन एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप राजा बन सकते हो, मतलब आप एक दिन में अपना पैसा डबल कर सकते हो। अभी मैं आपको उसकी रियलिटी दिखाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, नहीं पहले मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक्जेक्टली रियलिटी दिखाऊंगा जो मैंने नहीं बनाया, सेबी का रिपोर्ट है, और सेबी का रिपोर्ट तो गलत होगा नहीं। एक्चुअल में कितने लोग प्रॉफिट करते हैं और कितने लॉस करते हैं ना, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा पहले हम लोग कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स है। ध्यान से सुनना और लास्ट तक जरूर रुकना आप लोग, फिर मैं आपको दिखाऊंगा रियलिटी की कितने लोग प्रॉफिट करते हैं और कितने लोग लॉस करते हैं। फिर आपको ये जो 400, 500, 1000, 1200 का भी प्रॉफिट है ना, वो भी अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग ही चेंज हो चुका है। बट वेट करो, मैं बताता हूँ। अभी हम लोग सीखते हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो एक रेड कलर का कैंडल है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडल, और एक ग्रीन कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब एक कैंडल में हम लोगों को चार इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। चार इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन से है? इसका हाई मिलेगा, इसका ओपन मिलेगा, इसका क्लोज मिलेगा, और इसका लो मिलेगा। अब एक कैंडल को देखकर आप उसके चार इंपॉर्टेंट चीज को बता सकते हो, उसका हाई प्राइस क्या है, उसका लो प्राइस क्या है, उसका ओपन प्राइस क्या है, और उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। चाहे वो बेयरिश कैंडल हो, चाहे वो बुलिश कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, सारे कैंडल में आप ये चार इंपॉर्टेंट चीज सीख सकते हो। अब इसका मैं एग्जांपल आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। अब जैसे रेड कैंडल जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ओपन होता है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। अब ये नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है ना, इसलिए इसका कलर रेड है। अब देखो, मान लेते हैं कि ये 200 रुपये पे ओपन हुआ यहाँ पे, और ये हाई बनाया अपना मान लेते हैं 250 रुपये का, लेकिन यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ, ये अगेन नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, 200 पे ये ओपन हुआ था और लो लगाया इसने, मान लेते हैं 100 रुपये का इसने लो लगाया, और क्लोज हुआ 150 रुपये पे। तो मतलब ये ओपन कहाँ पे हुआ था? 200 रुपये पे। क्लोज कहाँ हो रहा है? 150 रुपीस पे। मतलब 150 रुपीस ये नीचे आकर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है? रेड है। इसी के ठीक अपोजिट देखोगे तो ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। अब इसका ये लो प्राइस है और इसका ये क्या है? हाई प्राइस है। मान लेते हैं कि ये 100 रुपीस पे ओपन हुआ, 50 रुपीस का इसने क्या लगाया? लो लगाया। फिर यहाँ से ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, 100 पे ओपन हुआ था, 200 पे क्लोज हुआ, तो 100 रुपीस ये एक्स्ट्रा में क्लोज हुआ, तो इसका कलर ग्रीन है। लेकिन इससे पहले मार्केट ने मान लेते हैं 250 रुपये का हाई भी लगाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, नीचे आकर क्लोज हुआ। तो एक कैंडल में हम लोग क्या क्या चीजें देख रहे हैं? हाई, लो, ओपन, क्लोज, ठीक है। और ऊपर जो आपको पतला से दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो, नीचे जो आपको पतला से इसको अपर शैडो या फिर अपर वीक भी बोल सकते हो अपने हिसाब से, और ये जो मोटा सा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये हमारा हाई हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो या फिर अपर वीक, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर शैडो या फिर लोअर वीक, और इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। इसका मैं एग्जांपल आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको कैंडल्स दिख रहे होंगे, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। अब जो ग्रीन है वो क्या हो रहा है? ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई भी कैंडलस्टिक्स को ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ। अब इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखना, ठीक है। काम करता हूँ, निफ्टी का बेटर एग्जांपल मैं आपको किसी स्टॉक्स में दिखाता हूँ, लाइक जो आपको ज़्यादा तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। अब ये एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ध्यान से सुनना आप लोग। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स है, ठीक है, इधर थोड़ा सा मेरा एनालिसिस किया हुआ उसको रहने देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब किसी भी कैंडल्स को ले लो, सारे कैंडल्स का क्या है, रूल सेम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, मैं एक कैंडल को लेता हूँ। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक क्या है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल का मैंने आपको रूल क्या बताया कि वो हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। तो अब यहाँ पे देखना, इसमें पतला सा वीक है, इसको हम लोग बोलेंगे शैडो या फिर वीक बोल सकते हो, इसको हम लोग शैडो या फिर वीक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ क्योंकि ये हमेशा नीचे ओपन होता है। तो अब इसका प्राइस देख लेते हो, 255 रुपीज पे ये क्या हुआ, ओपन हुआ। और क्लोज कहाँ होता है, ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ इसलिए इसका कलर ग्रीन है। अगर ये नीचे जाकर क्लोजिंग होता ना तो इसका कलर अपने आप रेड हो जाता। तो 255 पे ये ओपन हुआ था यहाँ पे, और क्लोज कहाँ पे हुआ, 306 रुपीज पे। तो ये कितना रुपया, मतलब मान लेते हैं कि लगभग ये 60 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हुआ इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको पतला सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हाई है तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान से देखना, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 306 रुपये पे तो क्लोज हुआ, लेकिन इससे पहले ये 350 रुपये तक गया था और 350 रुपये पे क्लोजिंग नहीं हुआ, फिर ये यहाँ से वापस से नीचे की तरफ आ गया और 306 रुपये पे क्या हुआ, क्लोज हुआ है। अब अगर ये 255 रुपीज पे ओपन हुआ तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन ये इससे पहले लो भी लगाया था 240 रुपीज के आसपास का, ठीक है, 241 का इसने क्या लगाया था, लो लगाया, फिर ये यहाँ से क्या हो गया, ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। अब ये नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स आपको रेड दिखेंगे। अब रेड का क्या मतलब होता है कि वो नीचे ओपन होता है और ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ दोनों लाइन को, उसके बाद आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल का एग्जांपल देखना। वेट, अब देखो यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन को मार्क कर देता हूँ, ये ओपन कितने पे हुआ, 363 रुपीज पे। उसके बाद इसने क्या किया, हाई कितने का लगाया उसको भी मार्क कर दो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 363 रुपीज पे ये ओपन हुआ, 373 का इसने हाई लगाया, फिर यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। और इसने लो कितने का लगाया, मतलब जो हमारा नीचे वाला वीक है उसको भी मैं मार्क करता हूँ। और इसने लो लगाया था कितने का, 323 रुपये का, मतलब 323 का इसने लो लगाया, लेकिन ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। ये क्लोज कहाँ पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाकर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखने के लिए क्या है कि ये जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे जाकर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। अगर ये जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, 331 रुपीज़ पे, ओपन कहाँ हुआ था, 363 रुपीज़ पे। तो मतलब 30 पॉइंट के आसपास ये नीचे की तरफ आकर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। अगर मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल को देखो, नीचे ओपन हुआ ऊपर जाकर क्लोज हुआ, तो इसका अपने आप कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में यही डिफरेंस होता है, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो ऊपर ओपन होकर नीचे जाकर क्लोज हो रहा, मतलब वो ओपनिंग प्राइस से 1 रुपया भी नीचे की तरफ जाएगा तो उसका कलर अपने आप रेड हो जाएगा। और वो जहां पे भी ओपन हुआ उसे 1 रुपया छोड़ो 1 पैसा भी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका कलर अपने आप क्या हो जाएगा, ग्रीन में बदल जाएगा। ये चीज आप लाइव मार्केट में भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे अभी डॉ जोन चल रहा होगा तो उसका मैं लाइव चार्ट आपको दिखा देता हूँ। वेट, डॉ जोन का चार्ट मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, आप यहाँ पे इसको देखना। अगर ये लाइव अभी चल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना अपने का, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे ओपन हुआ नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका कलर क्या है, अपने आप रेड है। अब देखो ये 33 सेकंड इस कैंडल में रिमेनिंग है। अब जैसे इसके बाद का कैंडल, कोई भी कैंडल ओपन होगा, जहां पे भी ओपन होगा, अगर वो उसके ऊपर जाएगा तो वो ओपनिंग प्राइस के 1 रुपया भी ऊपर जाएगा ना, अपने आप उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। देखो अब ये जहां पे ओपन हुआ था उसके ऊपर चला गया ना, इसका कलर अपना क्या हो गया, रेड, ग्रीन हो गया। अभी वो ओपनिंग प्राइस से नीचे आ गया तो रेड। अभी देखा, अगर ये ऊपर जाएगा तो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। 12 सेकंड बचे हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो इस चीज को। अब ये ओपनिंग प्राइस से नीचे है, ओपनिंग हुआ है 33022 पे और अभी चल रहा है 33018 पे, तो ये नीचे है इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। अभी देखो ये जहां पे ओपन हुआ उसके ऊपर गया तो ग्रीन है, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगा अभी अपने आप ये रेड हो जाएगा। अगर ऊपर जाता रहा तो फिर ग्रीन ही रहेगा, थोड़ा सा भी नीचे जाएगा ओपनिंग प्राइस के वो अपने आप इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी ओपनिंग प्राइस के ऊपर तो ये ग्रीन रहेगा, ये कंटिन्यूअसली फिर ऊपर की तरफ जा रहा तो ग्रीन। ओपनिंग प्राइस से जब तक ये ऊपर तब तक ग्रीन, ओपनिंग प्राइस से ये जब तक नीचे रहेगा तो रेड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप समझ लो। इसका एग्जांपल आप लोग चार्ट पे भी जाके देख सकते हो। अगर ये अभी यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, नहीं जाएगा तो ये ग्रीन ही रहेगा।
ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कैंडल स्टिक्स का, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि कोई भी चीज छूटे ना। समझ में आया सब लोगों को? देखो अभी आगे नीचे की तरफ, तो इसका कलर क्या हो गया? अपने आप रेड हो गया, मतलब ओपनिंग प्राइस के नीचे आया तो रेड। तो इसी तरीके से आपको कैंडल स्टिक समझ में आएगा, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब तक रहेगा तो ग्रीन, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगा तो रेड। अभी ये वापस अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब जैसे इसने हाई लगा दिया यहाँ का, इसने लो लगाया, जहाँ पे लो लगाया वहीं पे क्लोज हो गया। अब देखो ये ओपन हुआ नीचे, ऊपर की तरफ जा रहा तो ग्रीन, नीचे जाएगा तो फिर ये रेड हो जाएगा। देखो नीचे गया तो रेड हो गया, ओपनिंग प्राइस से एक पैसा भी नीचे जाएगा रेड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। समझ में आया सब लोगों को? यस समझ आया जी सर, क्लियर सर। ओके ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। देखो अब ये मत सोचना आप लोग कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा म्यूट कर लो आप लोग, ठीक है। आपको मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं बस आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि बॉस आप लोग के जो दिमाग में ये घुसा हुआ है ना कि आप लोग अपना पैसे को डबल कर लोगे, अगर ऐसा चलता तो अब तक कितने लाखपति करोड़पति बन जाते इससे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे 800 1000 रुपये भी कमा रहे हो ना, ये इनफ अमाउंट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझो, जो इंसान ये चीज़ समझ गया ना फिर उसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा सब लोगों को? प्रॉपर वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक बार मुझे बताओ, दिख रहा प्रॉपर तरीके से आपको? ठीक है, हो रहा है। ओके मैं आप लोगों को बस म्यूट कर दिया हूँ, अब इसको आप ध्यान से देखना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट करते हैं, जो अभी तक आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने दिखाया भी होगा ये सारी चीज़ें। अगर ये आपको कोई दिखा देगा तो फिर उनका कोर्स नहीं बिकेगा, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान से रखना। और एक सेकेंड मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे की चीज़ दिखाता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने लोग 2019 में ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, फिर उसके बाद कितने लोग इसमें जंप हुआ। अप्रोक्स देखोगे तो 500% का इसमें जंप हो गया था। आप देखोगे तो फ्यूचर ऑप्शन में जो है ना 7 लाख लोग ट्रेडिंग करते थे 2019 में, ठीक है। लेकिन 2022 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में 45 लाख हो गए, तो ये लगभग 500% का इसमें क्या हो गया था, इंक्रीमेंट हो गया था। तो ये सो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सही रिपोर्ट भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। अब देखो इसमें लॉस मेकर कितने लोग हैं, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 89% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, दैट इज 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड लॉस। मतलब क्या हुआ कि 89% जो लोग हैं ना जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो क्या चीज़ में है, लॉस में है। लेकिन आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि फिर इतने सारे आप लोग प्रॉफिट देखते हो तो वो प्रॉफिट कैसे, वो सब फ्रॉड होते हैं, वो प्योर एडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसको आप ध्यान से समझना, जितने भी आप लोग देखते हो ना टेलीग्राम पे या फिर रील्स में या यूट्यूब शॉर्ट्स में, जितने भी देखते हो ना लाख करोड़ का, वो सब क्या होते हैं, एडिटेड पीएनएल होते हैं। वो सब क्या करते हैं, कोर्स बेचने के लिए बनाते हैं, वो इजीली बन जाता है। जीरोधा का क्लोन ऐप भी आता है जिसमें आपको पूरा एक लाइव मार्केट में दिखाएगा कि लाइव प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन वो भी क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं। उसका भी मेरे पास 2-4 वीडियो है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में, देखना। आप ये भी मत सोचो कि वो जो लाइव चल रहा है वो भी रियल है, वो भी एक क्लोन ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 89% जो ट्रेडर है ना वो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो क्या है, लॉस में है। और उन लोगों का एवरेज लॉस कितना है आप देख सकते हो, विद एन एवरेज लॉस ऑफ 1.1 लाख फाइनेंशियल ईयर के 2022 में उनका एवरेज लॉस कितना था, 1.1 लाख था। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे उसके बाद देखो तो अप्रोक्स 50,000 के लॉस में था जो एवरेज ट्रेडर है, एक्टिव ट्रेडर से उसके हिसाब से। और प्रॉफिट कितने लोग कमा रहे हैं इससे, प्रॉफिट कमा रहे हैं बस 11% लोग। अब अगर आपको इस 11% में आना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लालच करोगे तो जिंदगी में नहीं आओगे। एकदम 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी नहीं आओगे 11% में अगर लालच करोगे तो। आप ये सोचोगे कि मैं अपना पैसा डबल कर लूँ, अभी मेरे पास कैपिटल है 25,000 रुपये, उसको मैं डबल कर लूँ 50,000 कर लूँ, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक दिन में हो जाएगा कभी कभी 10,000 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन वो मार्केट आपसे 20,000 लेके जाएगा। फिर ध्यान से सुनना इस चीज़ को, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, 11% लोग। और ये रिपोर्ट मेरा बनाया नहीं हुआ, देख सकते हो सेबी का, ठीक है। कितने लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं ये सब क्या है, सेबी का बनाया हुआ पूरा रिपोर्ट है, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा तो आप इसको देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने लोग कमा रहे हैं, 11% लोग कमा रहे हैं। और लॉस कितने लोग कर रहे हैं, 89% लोग, मतलब 10 में से 9 लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और सिर्फ 1 लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते हो क्या? अगर इतने कम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट करना है, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ अपने कैपिटल को ग्रो करना है। अगर आपके पास लोग यहाँ पे 5,000 रुपया लगा के सोचते हैं कि मैं इसका 10,000 कर दूँ, 15,000 कर दूँ, वो भी 5,000 चले जाते हैं। आज ही मेरे को एक बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, आज मैं बता रहा हूँ, आज का रियल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि उसके पास लगभग लगभग 13-14 हज़ार रुपये कैपिटल था। उसको मैंने कुछ टाइम पहले मना किया था कि ट्रेडिंग मत करना, अभी आपका टाइम नहीं है, आप लॉस कर जाओगे, पहले सीखने पर फोकस करो। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, आज उनके अकाउंट में 1,300 रुपया बचा हुआ है। मेरे आज उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, आज भी उन्होंने लॉस किया लगभग लगभग 5,000 के आसपास का। तो वही होता है, आप लोगों को मैं अगर उस दिन मेरा वो मान लेते ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं, तो अभी उनका कैपिटल बचा रहता, और अगर आपके पास कैपिटल बचा हुआ है तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में सर्वाइव करना। सर्वाइव करना मतलब मार्केट में टिके रहना, मार्केट में आपको मार्केट टिकने ही नहीं देगा, आपको तुरंत लॉस करके निकाल देगा। तो आप क्या करो, अपने लॉसेस पे कंट्रोल करो, सीखने पे ज़्यादा फोकस करो, और छोटे छोटे प्रॉफिट लो। लालच करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मैं रियलिटी दिखा दी, 11% लोग सिर्फ प्रॉफिट करते हैं। अगर आपको 11% में आना है तो आपको लालच नहीं करना है, आप अपने कैपिटल के हिसाब से छोटे छोटे प्रॉफिट लो, 400, 500, 1,000, 1,200, 1,500, उसके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को गेन करो, और आप अपना ट्रेडिंग एज बनाओ कि कौन सा मेरे लिए परफेक्ट सेटअप है, और उस पर ट्रेड करने की कोशिश करो। जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा, अब यहाँ पे 3-3 साल से 4-4 साल से लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर मैं उनसे पूछूँ आपका ट्रेडिंग एज क्या, उनको ट्रेडिंग एज के बारे में नहीं पता कि ये एज क्या होता है। तो अब यहाँ पे मतलब क्या, वो तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, आँख बंद करके सुबह उठते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, ट्रेड करते हैं, सो जाते हैं। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं, आपको एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा इस चीज़ को, एक डिसिप्लिन के आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को कर सकते हो, और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चले, आप फ्रॉड होने से बचें। जो भी लोग आपको बोलते हैं कि मेरा 90% एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी, आप मेरा कोर्स परचेज कर लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं, वो तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर खुद है नहीं, लेकिन आपको झूठा दिलासा दे रहे हैं फेक पेनल दिखाकर। अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते तो वो अपना कोर्स नहीं बेचते, उनका मेन प्रॉफिट होता है कोर्स से, वो कोर्स से पैसा लाते हैं, फिर उसको ट्रेडिंग में लगा देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर ट्रेडर जो एक महीना मेहनत करके जॉब करते हैं, फिर वही सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं, फिर उनको लॉसेज हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप संभल के रहो, सारी चीजें आप लोगों को पता रहे, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन यहां पे ले सकते हो। कोशिश करो, आपके पास जो भी कैपिटल है उससे पहले आप इक्विटी में ट्रेड करो, धीरे धीरे अपना कैपिटल को ग्रो कर लो, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बिना लालच का ट्रेडिंग करो, सेटअप पे ट्रेड करो, आँख बंद करके कहीं पे भी बाइंग मत कर लो, कहीं पे भी सेलिंग मत कर लो। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ अपने सेटअप पे करता हूँ, भले मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया और इतना लॉसेज हुआ। कभी मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा इससे एक साल पहले का, एक एक दिन में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, देखा इतने इतने लॉसेज होते थे, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा पैनल दिखा दूंगा, समझ में आएगा तब आपको वो अच्छे तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट क्या, लेकिन अब उतने लॉसेस कभी नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं पूरा डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करता हूँ, सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, जो मेरा टारगेट है उस पर मैं अपने पोजिशन को एग्जिट कर देता हूँ। आज आप खुद देखो, बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने एक ट्रेड परचेस किया था, ब्रेकआउट हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। आज जो मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री किया था, आपको मैंने बताया ब्रेकआउट रिटेस्ट पे मैंने एंट्री किया, और यही मेरा टारगेट था। अब ये टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया, ये जो हमारा पूरा इंपल्स है, इसका 1.618 का लेवल जो था वो मेरे लिए टारगेट था। अब यहाँ पे एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर मैं अपने टारगेट पे अपने पोजीशन को एग्जिट करूंगा ना भाई, अगर यहाँ पे आप एग्जिट नहीं करोगे तो मार्केट फिर क्या करेगा। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे बाई किया, यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव मिला, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था एग्जैक्टली इसी कैंडल के क्लोजिंग पे। अब यहाँ पे मेरा टारगेट है तो मैं एग्जिट करूंगा। यहाँ पे लोग लालच में रहते हैं कि अच्छा मार्केट तो इतना ऊपर की तरफ आ रहा, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो 300-400 रुपये और मिल जाएंगे, तो मैं होल्ड करता हूँ, उसके चक्कर में मार्केट फिर यहाँ से नीचे, फिर आपको तो फिर कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर आपका पूरा प्रीमियम ही डेड हो गया। क्योंकि देखोगे तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में मार्केट यहाँ से इतना मूव कैप्चर किया, और नीचे जब ये आया तो कितने देर में आया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, एक घंटा, 5, 10, 15, एक घंटे 15 मिनट में मूव नीचे की कैप्चर किया और ऊपर की तरफ 25 मिनट में। तो इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने एक तक बॉटम पे बाई किया, 3-4 कैंडल में अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। यहाँ अगर मैं पुट भी बाई करता तो मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि मेरा प्रीमियम खत्म हो जाता। तो यहाँ पे जो आपका टारगेट है एग्जिट कर दो। इंपॉर्टेंट क्या है कि एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड करो, ब्रेकआउट मिला रिटेस्ट पे एंट्री करो, जो टारगेट है वहाँ पे एग्जिट कर दो, लालच मत करो, जो भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा उसको लेकर निकल जाओ। तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये सब नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं। समझ में आया सब लोगों को?
सब लोगों को समझ में आया? यस सर, यस 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 सर, कोई डाउट आप लोगों का? यस यस बोलिए। बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। हाँ आप कर सकते हो, ये एकदम गलत बात नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं तो आप इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। इतने छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे ना, वो गलत है, आप कर सकते हो सारी चीजें, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। आप नेक्स्ट टारगेट के लिए तभी सोच सकते हो जब इसका प्रॉपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे आपको एक बेयरिश कैंडल दिख गया ना, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिख गया, तो यहाँ पे जब तक इस लेवल का प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते। जैसे जो लोग यहाँ पे बॉटम पे बाई किए होंगे उनका ये टारगेट रहा होगा, तो यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट करके फिर अगेन मूव कर दिया। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया? नहीं किया। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। अगर आपको स्टॉप लॉस सेल करना है तो जो भी कैंडल आपका है लास्ट वाला उसके लो का स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे उसके नीचे मार्केट आ जाता तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही आ जाएगा मैक्सिमम टाइम। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होता है। मैक्सिमम टाइम 10 में से 7-8 बार क्या होगा ना, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर मेरे पे बिलीव नहीं है तो आप चार्ट खोलना, किसी भी इंपल्स में लगाना, जो 1.618 का लेवल है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये टारगेट मैंने ऐसे डिसाइड किया पूरे इंपल्स का 1.618 का लेवल, और हमेशा बोलता हूँ सारे क्लास में बोलता हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है जो फिबोनाची का लेवल होता है, वहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है, तो यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट का। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दो, और स्टॉप लॉस तब भी ट्रेल करो जब आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है। एक लॉट तो फिर मत करो, कोई फायदा नहीं है। 4-5 लॉट लिए हुए हो तो 3-4 लॉट को क्या करो, बुक कर लो, 1-2 लॉट स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप ऊपर की तरफ ले सकते हो। एटलीस्ट जो आप आधा प्रॉफिट मिला उसको बुक कर लो, ताकि आपका आप स्टॉप लॉस नीचे की तरफ फिट भी होता, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहो, लॉस में ना जाओ। समझ रहे हो जी? तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। और कोई डाउट आप लोगों का? सर एक डाउट और है सर। बोलिए। डाउट ये है कि जैसे कि सपोज दैट हमने 5 लॉट ले लिया है, ठीक है, 5 लॉट लिया तो वन टाइम लिया, एक बार हमने 5 लॉट लिया। अब उसको हम चाहते हैं कि अगर हमको 3 लॉट अगर हमको एग्जिट कर देना, निकल जाना है, 3 लॉट हमको सेल कर देना है, तो उसके लिए कैसे करना होगा सर? उसको वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे नहीं कर सकते? आप जहाँ पे भी आपने जिस भी ब्रोकर पे बाई किया वहाँ पे आप जब उसको एग्जिट करोगे तो वहाँ पे आपसे वो लॉट साइज पूछेगा, कितना लॉट आपको एग्जिट करना है, तो वहाँ पे आप 3 लॉट डालोगे। जो भी ब्रोकर से आप ट्रेड कर रहे हो ना, एंजल वन हो, आप स्टॉक हो, जीरोधा हो, कहीं पे भी जब आप उसको एग्जिट करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा अगर आपके पास 5 लॉट है तो आपको एग्जिट कितना लॉट करना है, तो वहाँ पे आप 3 लॉट डालोगे। या स्टॉप लॉस लगाना है तो कितने लॉट पे लगाना है? 3 लॉट पे, तो 3 लॉट पे डालोगे आप। जी, ठीक है। कौन सा ब्रोकर यूज करते हो आप? इसका जानकारी नहीं था सर, जितना लॉट हमने लिया उतना को सेल कर दिया। नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेल कर सकते हो। आपने अगर 10 लॉट लिया है, आपको 5 लॉट ही एग्जिट करना है, तो आप सेलेक्ट वहाँ पे 5 लॉट को करोगे। कौन सा ब्रोकर आप यूज करते हो? एंजल वन यूज करते हो। जब आप एग्जिट करोगे ना तो वहाँ पे दिखेगा आपको लॉट साइज लिखना होगा कि आपको कितना लॉट एग्जिट करना है। जैसे आप उसको बाय डिफॉल्ट में तो आपने जितना परचेस किया उतना ही आएगा, लेकिन आप उसको एडिट करके अगर आपने 10 लिया तो वहाँ पे काट के उसको 5 कर दो, 5 लिया 3 एग्जिट करना है 3 कर दो, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा वो चीज़। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का कोई डाउट समझ में आया आप लोगों को? जो चीजें मैं आपको आज दिखाया सब लोगों को क्लियर है? इसको एडिट नहीं किया, बट करता हूँ मैं, कल करके भेजता हूँ। ठीक है,
जिनको भी ये पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, वो एक बार मुझको पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे ही, मैं आपको भेज दूंगा। ये वाला तो पीडीएफ प्रॉपर सही है, ये तो मैं वैसे ही भेज सकता हूँ। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करना है, इससे लास्ट वाले कुछ पैटर्न्स में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको सही करके फिर मैं आपको देता हूँ, ठीक है? ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? सर यस, सर उसमें आप एक मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, 90 और 73 के बीच स्ट्रांग सपोर्ट है। यस, तो वो सब हम नहीं चेक कर पा रहे थे, वो देखने भी नहीं मिला हमको, वो कहाँ से आप लिए थे सर, ये मैसेज किए थे? ठीक है, देखो चार्ट को चेंज करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मार किया था, सब लोग म्यूट कर लो। अब देखो मार्केट में आपको मैं समझा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्यों है कि ये हमारा एक पूरा इम्पल्स था, फिबोनाची मैं यूज़ करता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ करो प्रॉपर काम करेगा। तो ये जो हमारा पूरा एक इम्पल्स है ना, इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया था, फिबोनाची लगाया था। और जो 88 का लेवल होता है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है, तो ये 88 का लेवल है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट का लेवल है। तो इसको क्या करना, यहाँ पे आपको मार्क लेना, इस लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क किया। और मैंने कौन सा लेवल दिया था, 870 से लेकर 900 का मैंने आपको लेवल दिया था, ठीक है? 870 से लेकर 900 का मैंने आपको लेवल दिया था। उसके रीजन क्या था कि मैं आपको बताता हूँ, अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ वापस से 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? इसको प्रॉपर तरीके से फिर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे, अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के लेवल को मार किया था, और कौन से लेवल को मैंने मार किया था, 88 के लेवल को। जिनका भी ये क्वेश्चन था वो एक बार मुझको रिस्पॉन्स करना, आवाज सर मैं सुनूंगा सर सर, ठीक है? तो आपने देखा कि ये ऊपर वाला लाइन है, ये 88 का लेवल था, और ये नीचे मैंने सपोर्ट मार किया, वो पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर से मार किया, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट यहाँ कहीं पे था। मैंने आप लोगों को बोला था कि 870 से लेकर 900 का बीच का जो जोन होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। मार्केट इसके लेवल पे आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री भी किया था, और यहाँ कहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था पहला ट्रेड में। उसके बाद फिर अगेन मार्केट नीचे आया, तो आज जो मार्केट ने लो लगाया था वो कितना लगाया था, 860 का लो लगाया था, और मैंने मैसेज किया था 870 से लेकर 900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 807 का लो लगा और मार्केट यहां से रिवर्स हो गया। उसके बाद ये हमारा कौन सा जो वो फीव का जो था ना सर, वही मैंने लगाया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर ये कहां से ले, क्योंकि मैं उस समय सर एक लिया हुआ था पी, मैं झट से सर एंट्री किया, 250 रुपया मेरा तब प्रॉफिट में था, तो हमको लगा कोई सर का मैसेज है तो कुछ खास ही रहा, और सच में रिवर्स किया सर वहां से। हाँ, इसलिए मैं आपको बोला था, ताकि वो चीज़ है, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ। देखो मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, कॉल बाई करो पुट बाई करो, लेकिन जो चार्ट में शेयर करता हूँ ना, अगर आप उसको रीड करना सीख गए ना, तो फिर आप खुद समझ सकते हो कहाँ से प्राइस मूव करेगा। कॉल पुट तो आपको पूरे टेलीग्राम पे देने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो आज के ट्रेड नहीं है। आज का जो ट्रेड था सर बैंक निफ्टी का, यस, वो आप दूसरा ट्रेड तो आपका प्रॉफिटेबल था, वहाँ हम भी थे सर, लेकिन वो उसके बाद जब वो डे हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आप 161 के लेवल बीच में वो 88 का सपोर्ट नहीं आ रहा था सर, उसको तो ब्रेक कर दिया ना। आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 88 का लेवल जो आया था वो उसको सपोर्ट ही नहीं किया हमारा, पहला जो डे हाई था वही 88 का लेवल बन रहा है, ये हमारा पूरा इंपल्स है जी सर, और इसमें जो 88 का लेवल आएगा उसको अगर आप मार्क करोगे, तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी लेवल हो, जहां 88 का लेवल है ना, 0.88 का रेड वाला लाइन है, यहाँ पे तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया ना। जब तक यहाँ पे कोई बेयरिश साइन नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंज बार कैंडलस्टिक बन गया, जो डायरेक्ट डे हाई को ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर यहाँ पे समझ जाना कि 88 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे डे हाई ब्रेकआउट डिटेस्ट पे फिर मैंने यहाँ पे एक नया एंट्री कर लिया था, ठीक है? अच्छा, 88 के बाद सीधा 616 बीच का जो है सर, 14 नहीं, वो सब उतना नहीं, वो सब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको यहाँ 78 है, 23 है, 38 है, ये सब उतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता। बस 50 से लेकर 60 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, और 1.618 और 88, ये बस तीन लेवल होते हैं ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, बाकी जितने लेवल है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। फोकस आपको 88 पे करना है, 1.618 पे करना है, और गोल्डन जोन पे करना है बस। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का, और कोई डाउट किसी का भी, यस और नो? नहीं है कोई भी डाउट, ठीक है? सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और कल हम लोग सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब ये वाला लेक्चर जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सब लोगों के लिए,
क्योंकि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं कि ब्रेकआउट पे ही करते हैं, जैसे आज भी मैंने जो ट्रेड किया वो ब्रेकआउट पे ही किया, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होते हैं ना वो रियल है या फिर फेक है। अब जो आज का डे लो है उसका मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, 80% लोग यहाँ पे जो है ना जो रिटेलर होते हैं ना वो नीचे की साइड का ट्रेड में एंट्री मारे होंगे, सबको मार्केट ने ट्रैप कर लिया। अब यहाँ पे लोग क्यों ट्रैप हुए, ये जो हमारा डे लो होता है एज अ सपोर्ट वर्क करता है, इसके नीचे की तरफ कैंडल आया, लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री करते हैं, फिर वो ट्रैप हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे लोग क्यों ट्रैप हुए, क्या इसमें दिक्कत था, वो सारी चीजें हम लोग कल समझेंगे। कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन रियल है या फिर फेक है उसको कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। सर आज ये वाला रिपोर्ट आपने लिखा है, आप न्यूज़ भी देख रहे थे, ये सेबी की तरफ बीच में वो फ्लैश किया, ध्यान से उसको पढ़ा था, सर देख रहा था सीएनबीसी पे 89% का बिल्कुल ये था। मोस्टली कितने लोग एफएनओ में करके कितने लोग लॉस करते हैं और कितने लोग प्रॉफिट करते हैं, फिर भी सर देखते इतना लोग बोलते हैं एफएनओ एफएनओ केवल एफएनओ, दो ही चीज देखे बहुत ज्यादा मेरे को समझ में आया, वो सर एक थोड़ा सा समझिए, वो थोड़ा सा लगा कि यहाँ से कर सकते हैं और थोड़ा तुक्का भी था, तो उसमें सर 3 रुपए मिल गया प्रॉफिट, बट उसको होल्ड किए सर ऑलमोस्ट हम टोटल 35 डेज। अरे सुजलोन को, सुजलोन में मेरे को बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनता है, यहाँ पे जो है ना मैंने एग्जिट कर दिया 20 तारीख को, आई थिंक आपने देखा होगा ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। दिमाग में उस टाइम क्या आया कि 26 रुपीज के आसपास मैंने इसको यहाँ पे जो है ना एग्जिट कर दिया था, जैसे देखा ना रिजेक्शन, फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट मार दिया इसको, लेकिन यहाँ पे हम भी देखे सर 28 से नीचे आ रहा था ना, तो पेशेंस काम नहीं किया, हम बोले ठीक है जो मिल रहा है निकल जाओ छोड़ो, जो होगा होगा, जिसके भाग में होगा वो ज्यादा कमाएगा, कुछ तो हमको मिल रहा है ना, हो गया एक महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर वो मोटा मोटी 7-8% तो बहुत ज्यादा है, अब क्या चाहिए, बहुत तो मैंने कैलकुलेट किया 50,000 के आसपास मैंने इसमें लगाए थे, 2100 क्वांटिटी मेरे पास टोटल था, अगर मैं होल्ड करता ना अभी तक तो अच्छे खासे प्रॉफिट बन जाते, मैंने होल्ड किया। बहुत अच्छा होता सर, वही सुजलोन का देख रहे थे कि वो ठीक है अच्छा। हाँ ये सुजलोन का जो है ना काफी टाइम पहले मैंने चार्ट ग्रुप में भी भेजा होगा, आपने देखा होगा जब ये जो है ना आसपास यहीं कहीं पे था, तो मैंने ये सेम एनालिसिस करके भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम पे भी, और मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रेड स्टॉक का, उसमें भी मैंने सुजलोन का जिक्र किया था और चार्ट दिखाया था कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा अभी भी सर ये बुलिश दिखी है कंटिन्यू, इसका कुछ वो ट्रेंडिंग करता है देखते हैं, बहुत वो मतलब सपोर्ट दे रहे हैं सिस्टम, लॉन्ग टर्म में ये बुलिश ही है। हाँ लॉन्ग टर्म में भी देखना सर बुलिश इसका, जैसे ब्रेकआउट किया ना इस लेवल को इसके ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस के बाद, फिर ये डायरेक्ट 90 तक जाएगा, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ वो देख रहे चलिए सर थैंक्स ओके ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। ओके।